सात साल के बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत आई तो सोशल मीडिया पर दो ट्रेंड बहुत चल रहे थे, एक थैंक्स इंडिया, दूसरा वेलकम टू इंडिया। पूरी रात वो स्वागत देखने को मिला हैदराबाद में एयरपोर्ट से लेकर आपके होटल्स और जहां जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम गई, चाहे वो बस हो या बाकी जगह हो, लोगों ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया। एयरपोर्ट पर भी उनके लिए तालियां बजी, उनको अच्छे से साफा पहनाया गया, बाबर आजम को तो स्पेशली भगवा साफा पहनाया गया था, तो ये दिलचस्प था। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी एक हैशटैग निकला जिसमें था कि थैंक्स इंडिया, और तमाम उनके जो प्रशंसक थे, तमाम उनके जो लोग थे, तमाम उनके जो क्रिकेटर थे, उन सब ने सोशल मीडिया पर लिखना पड़ना शुरू किया। इनफैक्ट शाहीन शाफरीदी ने भी आधी रात को ही अपनी स्टोरी लगाई जिसमें लिखा कि यार ग्रेट वेलकम दिस फार हैदराबाद इंडिया। सामनिक्रम, वैसे तो भारत में इस वक्त तकरीबन तमाम ही ममालिक की टीम्स पहुंच चुकी हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए। 9 ममालिक ने भारत का विजिट करना है, टोटल 10 टीमें भारत को मिलाकर खेलेंगी। लेकिन जो करिश्मा पाकिस्तान की टीम का था, उसने क्रिकेट वर्ल्ड कप को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। इस बात का इजहार भारत के सोशल मीडिया सार्फिन भी करते दिखाई दे रहे हैं और वहां का मीडिया भी। सबसे पहले आप ये एक तस्वीर देखिए जो कि भारत में इस वक्त भी ट्रेंड कर रही है, जो कि भारत में इस वक्त के ट्रेंड्स की तस्वीर है, जिसमें आपको टॉप पर बाबर आजम गोट के नाम का एक ट्रेंड नजर आएगा। ऊपर भी लिखा हुआ है ट्रेंडिंग इन इंडिया। दूसरे नंबर पर अगर आप देखें, ट्रेंडिंग इन इंडिया है वेलकम टू इंडिया। तीसरे नंबर पर भारत में ट्रेंड है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। आप अंदाजा लगाइए कि भारत के इस वक्त तीन टॉप ट्रेंड्स जो हैं वो बाबर आजम से शुरू होकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर खत्म होते हैं। और इसके जवाब में पाकिस्तान की तरफ से भी सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलाया गया जिसमें थैंक यू इंडिया लिखा गया कि आपने जिस तरह हमारे प्लेयर्स को इज्जत दी है, उन्हें प्यार दिया है, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और यही पाकिस्तानी कौम का खासा है। बेशक हमारे भारत के साथ जितने भी इख्तिलाफात हों, लेकिन जहां जहां पाकिस्तान को भारत की तरफ से प्यार मिलेगा, पाकिस्तानी उसका डबल लुटाने की कोशिश हमेशा से करते आए हैं और यही सारा कुछ आपको इस वर्ल्ड कप में भी नजर आएगा। अब आपको बताते हैं कि इस वक्त भारत के सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है और फिर उसके बाद भारत का मीडिया इस ट्रेंड के बारे में क्या कुछ कह रहा है। शुभंकर मिश्रा जो कि भारत के एक टॉप के जर्नलिस्ट हैं, वो किस तरह इस सारे मामले को देखते हैं वो भी दिखाएंगे। सबसे पहले ये ट्वीट मुलाहिजा कीजिए, अभिषेक सिंघाल लिखते हैं, वेलकम टू इंडिया पाकिस्तान टीम, वी इंडियन आर नोन फॉर अवर अतिथि देवो भावा, यानी कि ये उनकी कोई हिंदी की टर्म है जो कि मेहमान नवाजी के तौर पर यूज होती है। होप यू हैव गुड एंड मेमोरेबल जर्नी हियर, साथ उन्होंने हैशटैग वेलकम टू इंडिया भी लिखा हुआ है। मोहम्मद पाटिल लिखते हैं, हाँ जी बाबर भाई, वी आर ब्रीदिंग इन सेम हेयर, साथ उन्होंने हर्ट का इमोजी भी डाला हुआ है। पंकज लिखते हैं, वेलकम टू इंडिया बाबर भाई एंड पाकिस्तान टीम, साथ उन्होंने बाबर आजम की शाल ओढ़े तस्वीर भी एड कर रखी है। डिसेंट मुंडा लिखते हैं, हेटर्स यूज टू से दैट नो वन likes him outside of Pakistan, but wherever he goes, the craze is unreal aura. साथ उन्होंने बाबर आजम और welcome to India का hashtag भी use किया हुआ है। ये तो चंद tweets थी, लेकिन आगे चलकर आपको भारत का मीडिया या भारत के सहाफी इस सारे trends और social media पर जो इस वक्त craze चल रहा है बाबर आजम का, उसके बारे में क्या कुछ कह रहे हैं वो सब कुछ बताते हैं, जो एक ही बात clear करता है कि बाबर आजम के ना सिर्फ fans पाकिस्तान में हैं, बल्कि करोड़ों की तादाद में इस वक्त भारत में भी मौजूद हैं, क्योंकि बाबर आजम जहां भी जाते हैं वहां पर पाकिस्तानी, इंडियन या इसके अलावा जितने भी क्रिकेट लविंग नेशंस हैं, उन सब के फैंस उनसे ऑटोग्राफ लेते नजर आते हैं, जो कि ये बात साबित करती है कि बाबर आजम क्रिकेट का ना सिर्फ नुमाया नाम है बल्कि किंग ऑफ क्रिकेट है। सात साल के बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत आई तो सोशल मीडिया पर दो ट्रेंड बहुत चल रहे थे, एक थैंक्स इंडिया, दूसरा वेलकम टू इंडिया। वेलकम टू इंडिया जो था वो इंडियंस की तरफ चलाया गया था, जहां पर इंडियंस तमाम जो थे वो पाकिस्तानियों को कह रहे थे कि भाई आपका स्वागत है। वैसे भी भारत की परंपरा रही है अतिथि देवो भवा की, हमारे यहाँ जो भी मेहमान आता है उसका हम दिल खोलकर स्वागत करते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम सात साल बाद जब हिंदुस्तान की सरजमी पर आ रही थी, तो फिर पूरी रात वो स्वागत देखने को मिला हैदराबाद में एयरपोर्ट से लेकर आपके होटल्स और जहां जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम गई, चाहे वो बस हो या बाकी जगह हो, लोगों ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया। एयरपोर्ट पर भी उनके लिए तालियां बजी, उनको अच्छे से साफा पहनाया गया, बाबर आजम को तो स्पेशली भगवा साफा पहनाया गया था, तो ये दिलचस्प था। उनके वाइस कैप्टन जो है शदाब, उनको भगवा साफा पहनाया गया, इमाम को, कई सारे लोगों को ब्लू, उन पर जल वल भी छिड़का गया। सो इट वॉज एक ब्यूटिफुल जेस्चर। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी एक हैशटैग निकला जिसमें था कि थैंक्स इंडिया, और तमाम उनके जो प्रशंसक थे, तमाम उनके जो लोग थे, तमाम उनके जो क्रिकेटर थे, उन सब ने सोशल मीडिया पर लिखना पड़ना शुरू किया। इनफैक्ट शाहीन शाफरीदी ने भी आधी रात को ही अपनी स्टोरी लगाई जिसमें लिखा कि यार ग्रेट वेलकम दिस फार हैदराबाद इंडिया, और वो खुद बहुत उत्साहित थे कि इंडिया में किस तरह का वेलकम मिला। एक पाकिस्तानी क्रिकेटर ने तो यहां तक कह दिया कि भाई स्टेडियम वाली फीलिंग जो है वो नजर आ रही थी एयरपोर्ट पर। भारत में मोहब्बत है लोगों को लेकर, मतलब भारत इंडिया एक ऐसी कंट्री है, ब्यूटीफुल कंट्री, जहां पर
अतिथि देवो भव की पॉलिसी रही है कि अगर कोई मेहमान हमारे आता है तो उसको हम स्वागत करते हैं, दिल खोल कर करते हैं, और करना भी चाहिए। हम मेहमान हैं, वर्ल्ड कप हमारे यहां पर है, और अगर हम होस्ट हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि दुनिया के सामने एक खूबसूरत मैसेज दें। बाकी मोहब्बत भी है, क्रिकेट मुझे हमेशा लगता है, मैं बार बार कहता हूं, क्रिकेट और म्यूजिक दो ऐसी चीजें हैं जो सरहदों के पार जाती है। जैसे इंडिया में जब आतिफ असलम आते थे, मैं अपने कॉलेज के टाइम में था, अलग लेवल का उनको लेकर मोहब्बत था। फवाद खान जो थे उनको लेकर आज भी मतलब लड़कियों में अलग सी मोहब्बत है। क्या जो भी थैंक्स इंडिया जो था वो लगातार ट्रेंड में था, और बहुत सारे मैसेजेस में लगातार देख रहा था कि लवली टू सी दिस, थैंक्स इंडिया फॉर सच अ वार्म वेलकम, स्पेशली हैदराबाद के लोगों को। फिर कुछ लोगों ने लिखा कि यार हमारे प्लेयर्स को किंग्स की तरह ट्रीट किया गया, थैंक यू इंडिया, टीम पाकिस्तान आ गई है। सो इंडिया मतलब यार ठीक है, इट्स अ गुड मूवमेंट फॉर इंडिया पाकिस्तान दोनों की। चलो ठीक है, 7 साल बाद आप दोनों एक दूसरे के देश में हैं, क्या चीजें रहेगा। हालांकि बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज के बीच में ये ट्रिप हुई है, बिकॉज इतना इजी नहीं था। बट सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि एयरपोर्ट पर जो बस से ले जाने का होटल का रूट था, वहां पर ठीक ठाक भीड़ आधी रात को आ गई थी। हालांकि ये भी सच है कि इंडिया पाकिस्तान में आबादी इतनी ज्यादा है कि यार मतलब लोग पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट पर। और पाकिस्तान और इंडिया को लेकर बार बार मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ एलियन जैसा बना दिया गया है, मतलब बिल्कुल एलियन वाला माहौल है कि अगर कोई इंसान उस पार से इस पार आ रहा है, मतलब सीमा हैदर आई थी, 4 बच्चे लेकर आई थी, और मैं खुद हैरान था, ग्रेटर नोएडा में लोग कहां कहां से, बिहार से घूमने आ रहे थे, क्या पाकिस्तान से लड़कियां जो देखे आते हैं। अंजू का मैंने देखा, वो भाई साहब किसी ने प्लॉट गिफ्ट कर दिया लाखों का, क्यों, क्योंकि इंडियन थी। सो इंडिया और पाकिस्तान में एक दूसरे को लेकर जबरदस्त तरीके का माहौल रहता है, लोगों को लगता है कि यार एलियन है। और मैंने पिछले वीडियो में कहा भी था कि 50 किलोमीटर की दूरियां हैं अमृतसर से लाहौर की, किसी ने कहा 50 किलोमीटर भी नहीं सर, कुछ कुछ जगह तो 20-20 किलोमीटर का बॉर्डर हमारा है, कि इतना नजदीक हो गया है, मतलब आई डोंट नो, बट ठीक है, ग्रेट थिंग कि शानदार रहा और बहुत सारी चीजें रही, दिलचस्प रहा, मतलब काफी इंटरेस्टिंग रहा। और कुछ लोगों ने हालांकि इसमें भी खुराफात करने की कोशिश की, जैसे पाकिस्तान में चैनल है जियो न्यूज, उन्होंने एक खबर डाल दी कि हैदराबाद एयरपोर्ट पर चाचा बशीर जो थे उन्हें झंडा वंडा लहराने से मना कर दिया गया। यार देखो थोड़ा तो सबको लिहाज करना पड़ता है कि आप मैसेज क्या दे रहे हो, मतलब आप किस तरह से जा रहे हो, आप जैसा देश वैसा भेष। सो कुछ लोग खुराफात कर रहे हैं, बट ये सच है कि पाकिस्तान टीम को भी रियलाइज हुआ होगा कि यार मतलब वो जो एक सॉन्ग नहीं था कि धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला, उसमें एक लाइन थी कि तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना, जाने क्यों लगता है अपना जाना पहचाना, यहां भी वही शाम है वही सवेरा। सो आई एम श्योर कि पाकिस्तानी खिलाड़ी भी नर्वस होंगे, उनको भी गूज़बम्प्स आ रहे होंगे, उनको भी लग रहा होगा। लेकिन अब जब उनके स्टेटस हम देख रहे हैं, जैसे एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने लिखा कि वॉच दिस वीडियो एंड ऑनेस्टली टेल कि क्या किसी और टीम को किसी दूसरे मुल्क में इतना प्यार इतनी मोहब्बत मिलेगी जैसे इज्जत हमारे प्लेयर्स को मिल रही है, मतलब ये उनको लगा था, बहुत शानदार लगा। सो बहुत सारे मैं ट्वीट्स पढ़ रहा हूं कि मतलब हर आदमी एकदम मतलब दिल खोल के एकदम आज खुश होके कि मून और चांद खुद भी इंडिया में आज ही आ गए, शाबाश हर आदमी। देखिए अच्छा बेस्ट पार्ट ये था कि ड्राइवर ड्राइवर भी जो है वो भी बड़े प्यार से जाके कि हेलो सर कैसे हैं आप लोग, और इधर से प्लेयर्स भी जो है। सो आई थिंक आई डोंट नो बट इट्स गोना बी अ इंटरेस्टिंग सेशन क्या होता है। हालांकि प्लेयर्स को तो वीजा मिला है तमाम लोगों को पाकिस्तान से, बाकी लोग बहुत नहीं आए हैं, कुछ टेंशन इश्यूज चल रहे हैं, बट लेट्स जस्ट होप कि एक अच्छा सेशन रहे और यहां से जब वो जाएं तो एक अच्छी मेमोरी लेकर जाएं। आई एम श्योर कि उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा, और बढ़िया हैदराबादी बिरयानी खाइए, भारत की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाइए, बिरयानी भी मैंने तमाम तस्वीरें देखी जो बट रही थी।